अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पाकिस्तान प्रॉपर लीडर्स बहरिया टाउन कराची से मैं हूं आपका होस्ट नासिर हुसैन। आज हमारा स्पोर्ट्स सिटी का विज़िट है, तो हम नाज़रीन को बताएंगे कि स्पोर्ट्स सिटी में जो मुकम्मल डेवलप हो चुके हैं विलाज और जो नॉन डेवलप हैं उनका भी हम आपको करंट स्टेटस दिखाएंगे कि यहाँ पे अपडेट क्या चल रही है, किस तरह का स्टेटस है, किस तरह के विलाज की यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है। तो इस वक्त हम रोड 16 पे मौजूद और ये साथ साथ विज़िट करते हुए ये वाले जो प्रेसेंट्स हैं ये वो वाली स्ट्रीट्स हैं जो अभी नॉन डेवलप हैं। ये स्ट्रीट 45 है और इसी तरह आगे तकरीबन कोई स्ट्रीट 43 और 44, ये तकरीबन 3 से 4 स्ट्रीट्स जो हैं ये बिल्कुल नॉन डेवलप हैं। अभी यहाँ पे काम नहीं हो रहा, इतना अच्छा काम नहीं हो रहा, लेकिन काम हो रहा है, अंदर जो स्ट्रीट्स हैं इनमें काम हो रहा है, चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वगैरह लगी हुई, लेबर लगी हुई है, लेकिन अभी ये नॉन डेवलप है। इसके जो आगे वाली स्ट्रीट्स हैं वो तकरीबन वो कंप्लीट हो चुकी हैं। हम रोड की तरफ आगे जा रहे हैं। ये है स्ट्रीट 43 और ये स्ट्रीट 43 को क्रॉस करते हुए ये स्ट्रीट 42 आ गई है। यहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन जो है तकरीबन अभी कंप्लीट नहीं है। इसके आगे वाली जो स्ट्रीट है इसमें एक साइड जो है स्ट्रीट 41 की वो डेवलप हो चुकी है और जो दूसरी है जो वेस्ट ओपन है वो अभी बाकी है। तो सबसे पहले इसके डिस्टेंस की बात करूं तो ये प्रीसेंट जो है नियर स्पोर्ट्स सिटी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के पड़ता है। तकरीबन डिस्टेंस इसका पड़ता है 18 तकरीबन कोई बनता है इसका, 18 किलोमीटर इसका बनता है डिस्टेंस मेन गेट से। और इसकी सराउंडिंग बहुत प्यारी है, स्पोर्ट्स सिटी रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पर। इसके सामने जो इस अच्छा सबसे बड़ी वजह यहाँ पे जो लोग अभी मूव हो रहे हैं उसकी वजह यह है कि शॉपिंग गैलरी जो है यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुकी है और इस वजह से यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग भी ज़्यादा हो गई। जो लोग यहाँ पे रहना चाह रहे थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ, मतलब कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती, दूर जाना पड़ता है। ये सामने मस्जिद है, बड़ी प्यारी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। ये जो स्ट्रीट्स हैं 38 और 36 ये बिल्कुल डिवेलप हैं, ठीक है। यहाँ पे फैमिलीज़ तो नहीं है फिलफोर, ये जो स्ट्रीट्स हैं इनमें फैमिलीज़ नहीं है, लेकिन ये जो आगे मस्जिद के 7 स्ट्रीट्स आ रही हैं इनमें कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं। इसी तरह जो बिल्कुल वो सामने रोड 9 का एक पट्टी आ रही है, सिंगल पट्टी, वहाँ पे तकरीबन कोई 6 माह पहले की बात करें तो वहाँ पर बहुत ही सस्ते विलाज थे, वो बिल्कुल नॉन डिवेल्प थे, सेल हो रहे थे और 175-170 तक के वो विलाज थे, जो अभी हमें वो विलाज 240 तक भी मुश्किल से मिलते हैं। वो डेवलप हो चुके हैं तो उनका जो अभी करंट स्टेटस है मार्केट देखी जाए तो तकरीबन 250 लाख तक तकरीबन ये हमें मिल जाते हैं। इसी तरह इसकी जो ऑपोजिट साइड है वहाँ के जो विलाज हैं, इस साइड के जो जितने भी विलाज हैं ये वाले विलाज तकरीबन कंप्लीट हैं। यहाँ पे फैमिलीज भी आ चुकी हैं और यहाँ पे अगर मार्केट देखी जाए तो 270 से 300 तक तकरीबन कोई हमें यहाँ पे ना विला अच्छा मिल जाता है। ये रोड 9 की बात कर रहा था, ये बिल्कुल सामने रोड 9 का टैग लगा हुआ है। ये जो विलाज हैं ये बिल्कुल ही नॉन डिवेल्प थे और यहाँ पर अभी ये कम्प्लीट डिवेल्प हो चुके हैं। यहाँ पर आपको विला 240-245 यहाँ तक मिलता है। तो फिलफोर हमारा यही मकसद था यहाँ पे आने का, लोग यहाँ पे आने का मकसद यही था कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अपडेट क्या है और विलाज कितने कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं और किस तरह अभी जो हो बाकी हैं रहते हैं या कंप्लीट फैमिलीज़ कितनी मूव हो चुकी हैं। जिन स्ट्रीट्स का हमने विज़िट किया है यहाँ पर फैमिलीज़ नहीं है, ये सिर्फ वो वाले विलाज हैं जो नॉन डिवेल्प थे। इसी तरह अभी हम जा रहे हैं रोड 13 की तरफ। इसमें कुछ विलाज जो हैं वो कम्प्लीटली डिवेल्प हो चुके हैं। ये वाला जो सामने एक छोटा सा पार्क दिया हुआ है और इसके साथ ही ये सामने एक कुछ पट्टी है, ये भी डिवेल्प हो चुकी है, यहाँ पे अभी काम भी हो रहा है। इसी तरह आगे चले जाइए, वो ये मस्जिद की बैक साइड ही सराउंडिंग लगती है, मस्जिद की सराउंडिंग में जो विलाज आ रहे हैं वो वाले ये तकरीबन डिवेल्प हैं। अभी ये रोड 13 की ये वाली जो पट्टी आप सामने देख रहे हैं इसमें फैमिलीज़ भी हैं, कुछ फैमिलीज़ में मौजूद हैं। इसी तरह हम आगे चले इस रोड के ऊपर तो वहाँ पे फैमिलीज़ नहीं है, मतलब कि आधे जो पट्टी है इसमें वो तकरीबन डेवलप हो चुकी है और जो आधी अभी वो बाकी है।
तो मज़ीद हम इंशाल्लाह कोशिश करते रहेंगे आपको इसका करंट अपडेट भी देते रहेंगे। फिलफोर हमारा यही मकसद था कि आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाना और यहाँ पे कितना अपडेट काम हो चुका है, कितना नहीं हुआ। 4-bed अकोमोडेशन 335 के रियाड के जो विलाज एंड स्पोर्ट्स सिटी विलाज यहाँ पे हैं। आपको मज़ीद इसके लिए आपको कोई भी क्यूरी हो, यहाँ पे सेलिंग बाइंग करना चाहते हो आप, और मज़ीद कोई आप सवाल आदि अपनी प्रॉपर्टी के रेलिवेंट कोई आप कोई सवाल पूछना चाहते हो, तो जो हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं उन पे आप रब्ता कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे आपको कभी के स्पोर्ट सिटी विलास का अंदर से भी जो विला किस तरह का बना हुआ है उसका भी विज़िट करवाएंगे। फिलफोर हमारा यही मकसद था कि आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट ये दी जाए। ये जो अपोजिट साइड में आपको दिखा रहा हूँ, ये वाले सारे विलास जो हैं टोटली डिवेल्प हैं और यहाँ पर टोटली फैमिली मूव हो चुकी हैं, और इसकी अपोजिट साइड ये वाली जो स्ट्रीट्स हैं इनमें अभी काम बाकी है, लेकिन यहाँ पे अभी भी फैमिलीज़ तकरीबन आ रही हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे ये डेवलप नहीं है। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। अल्लाह हाफिज़।